आईपीएल 2023 में बॉलर्स को ध्यान देना होगा कि वो ज्यादा एक्स्ट्रा ना दें, वरना उन्हें एक नए कैप्टन के नीचे खेलना पड़ेगा, धोनी ने धमकी दी है। इसका मतलब है कि बॉलर्स को ज्यादा नो बॉल्स, वाइड बॉल्स या रन्स देना मना है, वरना उन्हें टीम के नए कैप्टन बनाना पड़ेगा। चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन एमएस धोनी को जीत के बावजूद अपनी टीम पे गुस्सा है, क्योंकि उनकी टीम ने लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ खेलते हुए चिपॉक में 3 नो बॉल्स और 13 वाइड बॉल की है। इसका मतलब है कि धोनी को उनके बॉलर्स की परफॉर्मेंस से खुशी नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा नो बॉल्स और वाइड बॉल्स डाल रहे थे। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बॉलर्स को मंडे को आईपीएल के अपकमिंग मैच में नो बॉल और ज्यादा वाइड्स डालने से रोकने की धमकी दी है, क्योंकि अगर वो ये करते हैं तो उन्हें एक नए कैप्टन के नीचे खेलना पड़ेगा। चेन्नई सुपर किंग ने अपने होम ग्राउंड पर लखनऊ सुपर जायंट को 12 रन से हराया, लेकिन धोनी को बॉलर्स की खराब परफॉर्मेंस से खुशी ज्यादा नहीं है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट के 218 के चेस के बीच में 7 विकेट के नुकसान पर 205 पर रोक दिया गया था। धोनी ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सीधे तौर पर कहा है कि सीएसके के बॉलर्स को नो बॉल्स और कम वाइड डालना पड़ेगा। हम ज्यादा एक्स्ट्रा डिलीवरीज डाल रहे हैं और उन्हें कम करना होगा, वरना उन्हें एक नए कैप्टन के नीचे खेलना पड़ेगा। ये एक शानदार गेम था, बहुत ज्यादा रन बनाए गए। हम सब सोच रहे थे कि पिच कैसी होगी, हमें उस पर शक था, लेकिन ये एक हाई स्कोरिंग गेम था। ओवरऑल मैंने सोचा कि ये परफेक्ट फर्स्ट गेम था और ये 5 या 6 सालों में पहली बार फुल हाउस था। मैंने सोचा था कि पिच बहुत धीमी होगी, वहां पर रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पिच थोड़ी धीमी हो गई थी। हमें देखना होगा कि अगले 6 मैच में पिच कैसी होती है, लेकिन हम यहां पर रन बना सकते हैं। धोनी ने कहा कि उनकी टीम के फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए और उन्हें कंडीशन के हिसाब से बॉलिंग करनी होगी। लखनऊ सुपर जायंट के लिए अच्छी शुरुआत नहीं, राहुल ने कहा। चाहे विकेट जैसी भी हो, बैटर्स को फील्डर्स के ऊपर छक्के लगाने के लिए मजबूर करो। लखनऊ सुपर जायंट के कैप्टन केएल राहुल ने कहा कि उनकी टीम टॉस जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग को बैटिंग करने के लिए बुलाने के बाद उनकी शुरुआत आइडियल नहीं थी। बॉलर्स ने कहा कि विकेट स्टिकी है और थोड़ी सी मूवमेंट भी है, इसलिए उनके लिए कुछ है, लेकिन उन्होंने बॉल सही जगह पे नहीं डाली। जब आपके अपोजिशन में क्वालिटी बैटर्स होते हैं तो वो आपको भारी पड़ेंगे, राहुल ने कहा। जब आप पहली ही बॉलिंग करते हैं तो नए विकेट पे समझना थोड़े समय लगता है कि उस पर क्या पेस और लाइन डालनी है। कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने कुछ ब्रिलियंट शॉट्स खेलने की कोशिश की, इसलिए हमें ये कुछ सीखना है और बेहतर बनाना है। 70 रन के लिए 6 विकेट जाना शायद हमें गेम को हाथ से छोड़ने का खर्चा साबित हुआ, लेकिन मैं कोई एक चीज नहीं बता सकता। राहुल ने कहा कि गेम के कुछ फेज थे जिसमें उनकी टीम ने गलतियां की और गेम उनके हाथ से छूट गया। काइल माइल्स ने बहुत अच्छी फॉर्म में आकर अपना टैलेंट दिखाया है। मैं वेस्ट इंडीज के कुछ मैच देख रहा था और उसने वहां पे बहुत अच्छे शॉट्स खेलने की कोशिश की। अच्छा है कि वो यहां पर भी उसी अप्रोच के साथ आया है। लखनऊ में वो बॉल बहुत दूर तक जाता था और वो यहां पर भी वही किया है। अच्छा है कि कुछ अलग अलग प्लेयर्स ने हाथ उठाए हैं और हमें गेम जीतने का मौका दिया है, और ये टूर्नामेंट में हमें आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है। राहुल ने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट की शुरुआत बहुत अच्छी थी और इनिशियली उनका गेम ठीक था, लेकिन हमने कुछ विकेट्स खोए और फिर भी कोशिश जारी रही। T20 में अक्सर ऐसा होता है कि आपको 4 या 5 बैट्समैन को बाउंड्रीज पे कैच हो जाते हैं, अगर कुछ उनमें से बाउंड्री के ऊपर जाते हैं तो हम जीत जाते। कभी कभी T20 में ये मार्जिन आपके हाथ में नहीं होता।